कह के लोगों को बेचा इसने? जी बिल्कुल, इसने सुरजाने वाला प्लॉट जो मैंने मालूमात करवाई वहाँ की, पता चला है किसी और को सेल कर चुका है। और अच्छा, घर भी इसने, घर भी मुझे नहीं दिया इसने, और घर भी कहता है कि मैंने सेल कर दिया वहाँ का। अच्छा जी बिल्कुल, इसने यही करा ना, उसने मुझे प्लॉट दिया ना उसने घर दिया, और मुझे उलझी धमकियाँ देता है, कहता है कि अब तुम लेके दिखा दो, तुम 8.5 तो क्या, तुम 8 रुपए भी नहीं ले सकते मुझसे। तो पुलिस के पास जब आप गई थी, पुलिस ने क्या बोला आपकी, क्या एप्लीकेशन? बिल्कुल भी हमारा किसी ने भी साथ नहीं दिया, हर कुछ है, हमारा रोजगार नहीं है, हमारे शोहर का दारी बात है, हम लोग जानते हैं कितना मुश्किलात से हम लोग गुजर रहे हैं, ये सिर्फ हम ही लोग समझ सकते हैं इस चीज को। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, मेरे सब स्कूल जाते हैं, बच्चे मेरे पढ़ते हैं, मैं क्या है। और आपका इस बेटे के अलावा 3 बच्चे हो रहे हैं। अच्छा, मेरे इनके घर के तो हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, फाके तक हो रहे थे, मैं अपने घर से खाने पका के इनके घर में बेचती थी, ये मैं जानती हूँ, मेरी बहन है, मेरे रोज आपते में रहती थी, ये इनकी क्या हालत हो गई है, जो बिस्तर पे पड़ गई थी, बीमार पड़ गई थी, इसके ऊपर अल्लाह का कहर नाजिल होगा, जो कलमे पढ़ के जो आपको हाफिज बोलता है, हाफिज तो बोलता है लेकिन ये कुरान पढ़ता तर्जुमा नहीं जानता, वो तर्जुमे तक जाए, उसकी तफसीर मालूम करे, फिर उसका जिस्म कांपेगा कि अल्लाह का अल्लाह का अज़ाब नाज़िल है लोगों पर, जो कहते हैं ना कि आप